दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। जब वो दोनों हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे, तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। वहां खड़ी एक लड़की कहती है, कल पुराने रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है, आज सुबह वहां एक और लाश मिली है। ये सुनकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने मन में कहती है, पुराने रोड पर औरत की लाश, ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने यही तो सपने में देखा था। सुहानी खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कल रात निशा ने मुझे विशिंग वेल के बारे में इतना कुछ बताया था, तो शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया होगा। वैसे भी निशा ने कहा था कि विशिंग वेल के पास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती हैं। निशा और सुहानी जलकर उन लड़कियों के पास जाते हैं और निशा उन लड़कियों से कहती है, आज वहां किसकी लाश मिली है? तो एक लड़की जवाब देती है, ये लाश एक जर्नलिस्ट की है, शायद वो रात को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुराने रोड पर गई थी। ये सुनकर सुहानी को अपना सपना याद आता है। उसके सपने में जिस औरत की मौत हुई थी, वो भी दिखने में जर्नलिस्ट ही लग रही थी, लेकिन सुहानी इस बात को भी जानबूझकर इग्नोर कर देती है। फिर निशा सुहानी से कहती है, देखा तुमने कितनी लकी हो, वरना ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। सुहानी भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ, अगर उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये लाश मेरी ही होती। सुहानी का जवाब सुनकर निशा चौंक जाती है और कहती है, कौन सा लड़का? निशा का सवाल सुनकर सुहानी थोड़ा संकोच करती है। वो निशा को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। सुहानी को खामोश देखकर निशा उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, कल रात को जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया था क्या? वैसे दिखता कैसा था? हैंडसम था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सुहानी चिढ़कर कहती है, अब चले, कॉलेज का टाइम हो गया है। फिर निशा सुहानी को और परेशान नहीं करती है और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, इसीलिए सुहानी को यहाँ एडमिशन मिल पाया था। सुहानी ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वो आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस में ही खड़े थे, तभी कोई निशा के पीछे से उसके कान में कहता है, हाय ब्यूटीफुल। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो वहां उसी की उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे देखकर निशा कहती है, विवेक, कहां थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो विवेक कहता है, अरे आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई, कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप चल रही थी। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक से बात करने के चक्कर में निशा सुहानी के बारे में तो भूल ही गई थी। सुहानी वहीं खामोशी से खड़ी हुई थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी लड़की की थी। सुहानी को वो आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज क्या कह रही है। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहां से आ रही है और उस आवाज का पीछा करने लगती है, लेकिन सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजाने में ही उस आवाज के पीछे खिंची चली जा रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर कॉलेज के पीछे आ जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहां कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को लग रहा था जैसे कि वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही हो। सुहानी उस पेड़ के और करीब जाने लगती है,
लेकिन तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और सुहानी के कदम रुक जाते हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर उस इंसान को देखती है और चौंक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी अब तक बेहोश थी और अभी होश में आई हो। वो कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगती है तो निशा सुहानी से कहती है, तुम यहां क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यहां स्टूडेंट्स का आना मना है, ये पेड़ हॉन्टेड है, निशा सुहानी से कहती है। और ये सुनकर सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर निशा आगे कहती है, कुछ महीने पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी, इसीलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ हमारा आना जाना मना है। सुहानी अभी भी शौक में थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ और वो किसकी आवाज सुन रही थी। सुहानी को परेशान देखकर निशा टॉपिक बदलते हुए कहती है, खैर छोड़ो, मीट विवेक, माय बॉयफ्रेंड। सुहानी विवेक की तरफ देखती है जो मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, हेलो सुहानी। सुहानी भी विवेक को देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद निशा सुहानी को लेकर वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वहां ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और बरगद के पेड़ की पत्तियां हिलने लगती हैं। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। निशा और सुहानी के पास खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ हाँ, वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उनकी बात सुनकर सुहानी निशा से कहती है, निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगा जाए वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। फिर निशा विवेक की बात को पूरी करती है, मिल तो जाता है लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ ऐसी चीज छीन ली जाती है जो तुम्हें बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि वहां सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विश पूरी करती है। कुछ सोचते हुए निशा आगे कहती है, पता नहीं वहां विश पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता, कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी जानना चाहती थी लेकिन निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहती है। तो सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। निशा और विवेक भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अब वहां हर किसी की नजर उस कार पर ही थी। जब कार का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आती है। उस औरत की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उसे देखती रह जाती थी। वो औरत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाती है। चलते हुए वो औरत सुहानी के पास से गुजरती है तो वो सुहानी को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। उस औरत को देखकर सुहानी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस औरत का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वहां खड़ा कोई इंसान जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके वहां से जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। वहां खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, आ गई मैडम फिर से। तो दूसरी लड़की कहती है, हाँ आए भी क्यों नहीं, कल ही तो पुरानी रोड पर एक मर्डर हुआ है। सुहानी फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखती है तो निशा सुहानी को जवाब देने ही वाली थी कि तभी फिर से विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, ये हमारे कॉलेज की ट्रस्टी हैं, मिस पद्मनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती हैं जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। लेकिन सुहानी के फिर कुछ कहने से पहले ही निशा उसे और विवेक को क्लास के अंदर ले जाती है। शाम का वक्त था और क्लासेस खत्म हो चुकी थी। निशा और सुहानी पैदल हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में
उनके सामने एक कार आकर रुकती है। ये देखकर निशा और सुहानी चौंक जाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो कार पद्मिनी सिंघानिया की थी। पद्मिनी कार से बाहर आती है और सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। उसके करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगती है। सुहानी के करीब आकर पद्मिनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, बेवजह अनजान चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुहानी करीब से पद्मिनी की आंखों में देख रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। निशा भी वहां खामोशी से खड़ी हुई थी। पद्मिनी तो निशा को देखती भी नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के जाने के बाद निशा कहती है, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई? पद्मिनी की जाती हुई कार को देखकर सुहानी कहती है, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। रात के 3 बज रहे थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुराने रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया उसे? वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो जाती हैं और वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात को सुहानी को मारने की कोशिश की थी। और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साए से बचाया था। वो लड़का गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। तो वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के करीब आता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। वो लड़का गुस्से में साए को घूरता है और फिर वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद उस परछाई से आवाज आती है, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ गई है, तुम कब तक उसे बचा पाओगे? दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में सो रही थी। रूम में एक डिम लाइट जल रही थी, इसलिए वहां हल्की रोशनी थी। तभी सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मुझे यहां से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है। वो फौरन उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। ये देखकर सुहानी खुद से कहती है, वो आवाज क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद सुहानी इस बात को इग्नोर कर देती है और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगती है। रूम के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। निशा भी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक से रूम की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। खिड़की खुलने की आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की को देखती है। बाहर तेज हवा चल रही थी जिस वजह से खिड़की खुल गई थी और हवा से आगे पीछे हो रही थी। सुहानी बेड से उठकर खिड़की के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। खिड़की के बंद होते ही सुहानी के कान में एक आवाज पड़ती है, सुहानी। क्या हुआ था सुहानी को और किसकी थी वो आवाज? कौन है ये लड़का और क्या है उसका साए से रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।